हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, तो आइए शुरू करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, जैसे कि हमें टर्म बता रही है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, फंक्शन यानी फलन, तो उत्पादन फलन। अब उत्पादन फलन क्या होता है? ये संबंध है एक तरह का या रिलेशनशिप है एक तरह का इनपुट और आउटपुट के बीच में। अब इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? आउटपुट कोई भी ऐसी चीज जो हम यूज करते हैं, जैसे फिनिश प्रोडक्ट कोई भी हो गई, ब्रेड है, बटर है, बिस्किट है, बर्गर है, कोई भी खाने पीने की चीज या कुछ भी दुनिया की ऐसी चीज जो हम फिनिश प्रोडक्ट के रूप में यूज करते हैं, बाजार में बिकती है। अब उस बाजार में बिकने वाली चीज को बनाने में कुछ तो इनपुट यानी रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा, कोई प्लांट या मशीन भी यूज हुई होंगी, कोई किसी बिल्डिंग में बना होगा कि नहीं भाई। तो जो बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो लेबर लगा, वो क्या है? इनपुट है। आउटपुट क्या है? वो उत्पादन जो बाजार में बिकता है। तो समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अब देखिए, ये टॉपिक बड़ा ही सिंपल है। जैसे हम अपने घर में रोटियां बनाते हैं, बर्गर बना लें, कुछ भी फैक्ट्रीज में जो चीजें बनती है, बहुत ही सिंपल है। इसको हम बड़े इजी तरीके से समझने वाले हैं, तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो क्या है प्रोडक्शन फंक्शन? इट इज अ फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशनशिप। फंक्शनल, टेक्निकल रिलेशनशिप। अब फंक्शनल है, फंक्शन कैसा है कि आउटपुट, जो सपोज हम बर्गर बना रहे हैं, तो बर्गर किस किस चीज से बना है, तो बर्गर क्या हुआ यहाँ पे? आउटपुट है, यानी उत्पादन जिस चीज का हुआ, जो बाजार में बिक रहा है। अब वो किस किस चीज से बना उसे कहेंगे इनपुट। तो आउटपुट ये शुरू में QX लिया हुआ है, और इनपुट क्या क्या चीजें हमने यूज की, एक तरफ दोनों तरफ, मतलब ये हमारे इनपुट हो गए यानी कि इन चीजें होंगी जिसे हम बनाएंगे, और आउटपुट एक तरफ रख दिया। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को यानी संबंध को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ठीक है? अब ये टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब है कि हम सिर्फ मात्रा बता रहे हैं कि हमने कितने बर्गर के बन यूज किए, हमने प्याज जो चीज स्लाइस थी या नमक में, जो भी हमने बर्गर बनाने में यूज किया, या हमने गैस यूज की, जो भी ओवन वगैरह यूज किया, वो कितना किया है ना, और हमें बर्गर उसकी वजह से कितने मिले, कितने लोगों ने काम किया और कितने इनपुट्स लगे, ठीक है? तो वो है रिलेशनशिप। यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं, यानी कितने पैसे का लगा, नहीं, पैसे का मनी वैल्यू कुछ इन्वॉल्व नहीं, टेक्निकल है ये। मात्रा बताता, फिजिकल क्वांटिटीज बताता है, बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। फिजिकल क्या होता है? जो दिखे हमें, हमें दृश्य से दिख जाए कि हाँ ये सामने दिख रही चीज, तो जैसे बन हमें दिख रहे हैं। अब इसमें मेंटल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमारे दिमागी रूप से हम परेशान कितने हुए, हमें कितना स्ट्रेस लेना पड़ा, वो सब चीज नहीं, बस फिजिकल इनपुट देख देंगे। और आउटपुट, तो इनपुट हमने बता दिया, जो चीजें यूज होती है उसे बनाने में, रॉ मटेरियल वगैरह या लेबर यूज हुआ या मशीन यूज हुई, या फिजिकल आउटपुट यानी जो चीज हमें बनी, आउटपुट मिला हमें, ठीक है? ऑफ ए कमोडिटी विद गिवन टेक्नोलॉजी। अब गिवन टेक्नोलॉजी क्यों है? किसी मात्रा का गिवन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास, फ्यूचर में चेंज होगी टेक्नोलॉजी तो हमारा आउटपुट भी बढ़ जाता है, सेम चीज से हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अभी के जो इस समय हमारी टेक्नोलॉजी है, गिवन लेवल यानी इस समय वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है या तकनीक है हमारे पास, उससे कितना उत्पादन कर पाए हम। अब तकनीक आपकी घरों में डिफरेंट होती है, फैक्ट्रीज में डिफरेंट होती है। मैकडी के पास जो बर्गर बनते हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बनते हैं, घर में डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लगा सकते हैं इसका हिसाब, ठीक है? अब देखिए यहाँ इक्वेशन पे आते हैं, इसको कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है? इसको प्रोडक्शन फंक्शन कह सकते हैं, या क्यू, क्यू यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स। एक्स कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी दुनिया की वस्तु ले लो, यहाँ पे आप कैमरा रख लो, एक्स की जगह ब्रेड रख लो, बर्गर रख लो, आप कपड़े रख लो, कुछ भी दुनिया की ऐसी चीज रख लो जो बाजार में बिकती हो, यानी एक्स, कोई भी एक्स वाई जेड, इसका मीनिंग ये होता है इक्वेशन, ठीक है? अब एफ फॉर फंक्शन, किसका फंक्शन है, फलन किसका है, यानी इनपुट क्या है, क्या चीजें यूज हुई। एल एंड के, एल यहाँ लेबर है, के यहाँ कैपिटल है। अब कैपिटल यहाँ पे देखिए, आपका पैसा तो देखिए लेबर के लिए भी लगता है, लेकिन यहाँ कैपिटल का मतलब है मशीन, प्लांट यानी बिल्डिंग जिसमें आप उत्पादन करेंगे, मशीन जिससे करेंगे, जो भी चीजें लगेंगी उनको हम लेबर कैपिटल कहते हैं, ठीक है? अब एग्जांपल लेते हैं, घर का ले लो, बाहर का ले लो, कहीं का ले लो। जैसे मैंने सिंपल एक घर का एग्जाम्पल ले लिया, छोटी सी पार्टी है हमारे घर में, सपोज हमें 50 बर्गर बनाने हैं। अब 50 बर्गर हमारे कैसे बने? इज अ फंक्शन ऑफ टू लेबर, यानी दो लोगों ने मिलकर बनाया। 50 बर्गर के लिए 10-20 आदमी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली दो, अगर डेढ़ दो घंटे काम करेंगे, एक डेढ़ घंटे, तो दो लोग लगेंगे, दो बंदे लगेंगे, और 2000 क्यों लिखे, 2000। अब अगर आपकी गैस, आपके पास इंडक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो हम 2000 लग सकते हैं, लेकिन अगर घर में अवेलेबल है गैस वगैरह,
तो नहीं लगेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमें सबकी कॉस्ट लगे कैपिटल के। क्या क्या हमें? छोटा सा इंडक्शन भी चाहिए, एक तवा भी चाहिए थोड़ा बहुत सेकने के लिए, बाकी आलू प्याज जो भी हम बर्गर बनाएंगे बन वगैरह वो हो गए। तो 2000 रुपए हमने एस्टिमेट लगाया राउंड अबाउट, ठीक है। तो दो लेबर है, दो आपकी यूनिट्स कैपिटल की थी। हम फिजिकल क्वांटिटी देखो, हमने पैसा नहीं लगा यहाँ पे, गैस वगैरह जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर आते हैं। देखिए, प्रोडक्शन जब भी होता है किसी चीज का, उसमें दो तरह के फैक्टर्स यानी रॉ मटेरियल वगैरह जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड, एक होते हैं वेरिएबल। अब फिक्स्ड पहले लेते हैं। फिक्स्ड यानी कोई भी चीज जो फिक्स्ड हो, चेंज ना हो रोज रोज, ठीक है। फिक्स्ड यानी उसे कॉन्स्टेंट रखेंगे हम। फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? फिक्स्ड फैक्टर वो फिक्स रहता है और हर बार जब भी हम उत्पादन करते हैं उसे खरीद के नहीं लाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम अगर घर में कभी आगे भी बर्गर बनाएंगे, एक बार हमने इंडक्शन ले लिया सपोज, तो अब रोज हम बर्गर बनाएंगे, रोज इंडक्शन लाएंगे क्या? नहीं भाई, हम सिर्फ बन ले आएंगे, प्याज आलू जो भी टिक्की वगैरह बनाएंगे लाएंगे वो लाएंगे, हम गैस या इंडक्शन बार बार क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो ये फिक्स फैक्टर होता है, यानी एक बार खरीद लिया, इससे हम बहुत सारे बर्गर रोज रोज बना सकते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बर्गर बना सकते हैं, ठीक है। देन अब इसका क्या है? इंस्टॉल्ड इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो, ये सबसे पहले लेना पड़ता है, यानी कि ये जब भी, ये सबसे पहले की चीज है। और अगर आउटपुट जीरो भी, यानी एक भी बर्गर नहीं बनाए, उस समय भी हमें पहले इंडक्शन तो लेना ही पड़ेगा, बर्गर बनाने के बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो इंडक्शन सबसे पहली चीज है, तवा चिमटा जो भी चीजें हम लेंगे, टोंग्स वगैरह वो हम सबसे पहले लेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? प्लांट एंड मशीन्स कैपिटल, इसको कैपिटल कहते हैं, प्लांट और मशीन्स को। प्लांट यानी जहां बिल्डिंग, जो भी हमारा एक ढांचा होता है, सांचा होता है जिसके अंदर हम काम करते हैं, जो भी जगह होती है। मशीन छोटी मोटी, अब मशीन देखिए, हर वो चीज जो हमारा काम आसान करे वो मशीन होती है। अब मेरे हिसाब से तो ये भी छोटी सी मशीन है, मेरा मार्कर भी काम कर रही है मेरे लिए, ठीक है। तो मशीन, सभी चीजें मशीन्स में इस तरह आती हैं, सिंपल मशीन्स होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स होती हैं। तो प्लांट एंड मशीन यूज होती है। वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल जो वर्ड बना है वो बना है वेरी से, वेरी यानी चेंज, जो चेंज होता रहे। अब सपोज हमें 50 बर्गर बनाने हैं, तो हमने रॉ मटेरियल यानी दो किलो आलू भी ले आएंगे या 4 किलो आलू लाएंगे, लेकिन अगर हमें सिर्फ 2 बर्गर बनाने हैं तो हम 1 बन का पैकेट लाएंगे। हम 8-10 बन के पैकेट क्यों लाएंगे, 10-12 जितने भी लगेंगे, हम सिर्फ 1 बन का पैकेट लाएंगे, उसमें से भी सिर्फ 2 बन यूज करेंगे क्योंकि सिर्फ हमें 2 बर्गर बनाने हैं। तो वेरिएबल यानी जितना उत्पादन बढ़ेगा उतने ही आपके वेरिएबल फैक्टर बढ़ेंगे। अगर हमें 1000 बर्गर बनाने पड़ेंगे तो हमें पैकेट भी उतनी मात्रा बढ़ाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, आलू भी उतने ज्यादा, बन भी उतने ज्यादा। तो ये वेरिएबल फैक्टर है, ये फिक्स नहीं है। हम एक ही गैस पर एक दिन में 500 या 700 बर्गर बना सकते हैं, एक ठेले वाला बना लेता है कि नहीं बना लेता इंडक्शन पे, 1000 बर्गर तक वो दिन में बना सकता है पूरे दिन में, ठीक है। तो 1000 बर्गर तक सपोज हम इसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल फैक्टर क्या? जो उत्पादन के साथ चेंज हो, ठीक है। इट इज जीरो इफ आउटपुट इज जीरो, और अगर हम उत्पादन नहीं करते तो ये जीरो है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा इंडक्शन वगैरह रखा रहेगा। तो ऐसे प्लांट्स में, अब बड़े प्लांट को डिस्कस करेंगे, कोई शुगर मिल है, बेकरी है, या कोई और बहुत बड़ा प्लांट है, स्टील प्लांट है, तो सबसे पहले क्या, स्टील प्लांट का ढांचा बनेगा 2 साल में 1 साल में, उसके बाद उसमें मशीनें आएंगी, सबसे पहले वो चाहे वो 1 kg स्टील भी या 1 टन स्टील भी प्रोड्यूस ना करे, लेकिन वेरिएबल फैक्टर क्या है? जो स्टील को उत्पादन करने वाले जो भी लेबर है, लेबर यानी जो काम करने वाले मजदूर है, उसको उत्पादन करने वाले, वो उस समय आएंगे जब उत्पादन किया जाएगा। तो वेरिएबल यानी जो चेंज हो सके, जैसे लेबर रॉ मटेरियल ये चेंज होता रहता है, इसको हम वेरिएबल। तो आया समझ में? फिक्स यानी जो फिक्स रहे, एक बार खरीद लिया बहुत दिन तक आप यूज कर सकते जब तक वो टूट फूट ना जाए या आप उत्पादन ना बढ़ाएं बहुत ज्यादा जो उसके लिमिट से बाहर हो। नेक्स्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। पहले शॉर्ट रन और लॉन्ग रन समझते हैं। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपने फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये अलग अलग जो उत्पादन है उनके जो स्केल है उसके हिसाब से होता है। जैसे अगर हमें सिर्फ इंडक्शन पे बर्गर बनाने हैं तो भाई आप 2 दिन में भी नया अपना ठेला लगा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप उत्पादन प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं जी। तो घर का एग्जाम्पल तो मैंने वैसे दिया था समझाने के लिए, लेकिन प्रोडक्शन जो होता है वो सेल करने के लिए होता है। तो आपका ठेला है जिसमें बर्गर बनाते हैं, आप 1000 तक बर्गर एक इंडक्शन में बना सकते हैं, लेकिन सपोज आपके बर्गर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत अच्छे लगे, तो आप बर्गर बनाने का जो ठेला है हो सकता है 2 दिन में खड़ा कर ले, तो 2 दिन इसके लिए शॉर्ट पीरियड है, ठीक है। अब लॉन्ग पीरियड क्या होता है? इस तरह शुगर मिल, सॉरी शुगर मिल के लिए
एक साल शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि एक साल से पहले शुगर मिल का ढांचा बन ही नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल बहुत ज्यादा है। तो वो चीजें जिनमें कैपिटल कम लगता है, जिन्हें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उनके पास कम समय होता है शॉर्ट पीरियड, और लॉन्ग पीरियड भी कम समय होता है। लेकिन जो उत्पादन के जो भी चीजें हैं, जो स्टील प्लांट्स हो गए, शुगर प्लांट्स, उनमें जो प्लांट है उसको बनने में ही साल दो साल लग जाते हैं, तो उसके लिए वो आपका शॉर्ट पीरियड है। ठीक है, कम से कम उतना समय उसको चाहिएगा। ठीक है, देन शॉर्ट पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड, नॉर्मली इकोनॉमिक्स में 3 से 6 महीने को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, और 1-2 साल को, 3 साल को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। ये नॉर्मल बुक्स में आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगे इसके। ठीक है, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पहले कर रहे हैं, उसमें क्या है, प्रोडक्शन सिर्फ हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ सकते हैं। शॉर्ट रन देखिए, अगर हम बर्गर के ठेले को ले, उसके लिए शॉर्ट पीरियड क्या है, जैसे 1 दिन 2 दिन लगा लो, 2 दिन हमने शॉर्ट पीरियड लगाया, क्योंकि आप इंडक्शन 1000-2000 का इन्वेस्टमेंट आप अगले दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड सपोज आपका 2 दिन लगा लिया हमने, या 1 दिन लगा लिया। अब शॉर्ट पीरियड में क्या है, अगर उसी दिन आप 1000 बर्गर तक बना सकते हैं, अगर उसी दिन आपको लगा कि हमें 5000 बर्गर कहीं पे किसी रिजॉर्ट में या कहीं भी पार्टी में बना के भेजने हैं, तो उस समय 1 दिन के अंदर आप जल्दी से नया ठेला वेला खड़ा करने में दिक्कत आपको हो जाएगी, और एकदम से आप नहीं कर सकते, राइट, कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। उस समय आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपना जो भी आपके वेरिएबल फैक्टर्स यानी आलू प्याज जो भी हैं, आप कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा यूज करके आप ज्यादा बर्गर बना सकते हैं, लेकिन नया ठेला लगाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा एकदम से। आप दूसरे तीसरे दिन लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर शुगर मिल का हो, उसके लिए आप 2 साल वेट करेंगे, तो यानी कि शुगर मिल का उत्पादन आपका 2 साल बाद ही बढ़ सकता है, वो आपका कम से कम उतना टाइम आपको चाहिए। तो शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर्स ही चेंज हो सकते हैं। अचानक आप नया प्लांट नहीं लगा सकते, नई मशीन एकदम नहीं ला सकते। फिक्स फैक्टर कांस्टेंट होता है, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है, बर्गर का एग्जांपल छोड़ देते हैं, आप कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फिक्स फैक्टर शॉर्ट रन में कांस्टेंट, यानी अगर शुगर प्लांट है तो शुगर प्लांट के लिए फिक्स फैक्टर क्या, उसकी मशीन और उसका प्लांट, वो कांस्टेंट है। उत्पादन सिर्फ आप लेबर को या रॉ मटेरियल को बढ़ा के बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे देखिए इक्वेशन में क्या है, आपकी बुक में भी होगा, एल के ऊपर कोई बार नहीं है पर के ऊपर बार है, यानी कि ये बार यानी कांस्टेंट सी के लिए लगाया जाता है, यानी आपका कैपिटल कांस्टेंट है, यानी प्लांट और मशीनरी कांस्टेंट है। आप एकदम से अरबों रुपए का खर्चा नहीं कर सकते, देखिए स्टील प्लांट में और आपके शुगर मिल में अगर बड़े ताकत पे उत्पादन करना है तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो कैपिटल यहाँ कांस्टेंट, मशीन और प्लांट आपके कांस्टेंट रहेंगी, लेबर को बढ़ा सकते हैं आप, रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिर वेरिएबल प्रोपोर्शंस प्रोडक्शन फंक्शन, ये वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन होता है शॉर्ट रन वाला। कैसे, देखिए अब यहाँ पे शुरू में हमने ये प्रोडक्शन फंक्शन हमारा ले रखा है, यानी 2 लेबर और 2 कैपिटल, यानी ऊपर लेबर लिया हमने L/K, यहाँ पे 2 लेबर के यूनिट्स हैं, 2 कैपिटल यूनिट्स हैं, तो इसका रेशियो क्या है, 2 1 2, नीचे कैंसिल कर 2 1 2 काट दो इन्हें, तो दिखाते हैं आपको 2 1 2 1 हो गया कैंसिल। अब अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है शॉर्ट रन में, तो हम क्या कर सकते हैं, आपके लेबर बढ़ा सकते हैं, उस समय हम कैपिटल तो बढ़ा नहीं सकते, तो हमने 2 की जगह 4 बंदों को लगा लिया और बर्गर बनाने में लगा लिया, या आपका कोई भी छोटी चीज ऐसी जो बढ़ाई जा सकती है हमने बढ़ा लिया, तो यहाँ लेबर हमने 4 लगा लिए शॉर्ट रन में, और 2 कैपिटल अभी भी 2 यूनिट्स यहाँ हमारे पास किसी चीज की, प्लांट मशीनरी की। आज का रेशियो देखो 2 1 2 2 2 4, सिंपल, तो ये हो गया 2:1, ये 1:1 है, तो प्रोपोर्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी वेरी करता है, इसके जो प्रोपोर्शन है ये भी चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे 1:1 है, यहाँ 2:1 आया है, तो जैसे ही हम उत्पादन बढ़ाएंगे, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करेंगे, ठीक है, लेबर कैपिटल को, तो हमारा प्रोपोर्शन भी बढ़िया घट जाएगा। अब इसमें देखिए कॉन्स्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट होता है। अब स्केल क्या है, सबसे पहले ये समझो, स्केल यानी साइज किसी भी चीज का, किसी प्लांट का साइज, जैसे कि एक शुगर प्लांट में अगर 1 दिन में 100 बोरी चीनी बन सकती है, तो उसका क्या है, वो स्केल है, ठीक है, उससे फालतू वो चीनी नहीं उत्पादन कर सकती 1 दिन में, पर डे की कैपेसिटी उतनी है, यानी साइज उसका इतना ही है। ऐसे जैसे बेड का साइज नहीं होता, 100 बेड हॉस्पिटल, राइट, या एक ब्रेड की बेकरी में 500 ब्रेड के पैकेट 1 दिन में बन सकते हैं, तो वो क्या, उसका स्केल है, यानी साइज उसका इतना है, मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी इतनी है प्रोड्यूस करने की, ठीक है, तो स्केल। अभी कांस्टेंट स्केल क्यों कहा गया है यहाँ पे, कांस्टेंट यानी जो स्केल चेंज नहीं कर सकते आप शॉर्ट रन में, उसका छोटे थोड़े समय में
किसी भी प्लांट को तो बदल नहीं सकते आप, बड़ी बिल्डिंग कैसे एक दिन में बन जाएगी, ठीक है। तो जितना बड़ा प्लांट उतना ज्यादा समय लगेगा उसको चेंज करने में, तो कॉन्स्टेंट स्केल है यहां पर। अब कॉन्स्टेंट स्केल में आपका जो है क्या आपका डायग्राम बनता है, ये वाला आपका डायग्राम बनता है, क्यों? क्योंकि यहां पे कैपिटल कांस्टेंट है, स्केल से आपका मतलब होता है आपका कैपिटल कितना है, राइट? तो हमारा कैपिटल कांस्टेंट है, प्रोडक्शन जो हम बढ़ा रहे हैं वो हम लेबर को ज्यादा बढ़ा के, यहां लेबर लिया हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और यहां पे हमने कैपिटल लिया है आपके वाई एक्सिस पे। तो देखिए यहां कैपिटल तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम कांस्टेंट स्केल कहेंगे, क्योंकि स्केल का मतलब कैपिटल से होता है। अगर आपके प्लांट और मशीनरी बढ़ जाए तो स्केल आपका बढ़ जाता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड में हम प्लांट नहीं बढ़ा सकते, मशीन नहीं ला सकते, इसलिए ये शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट स्केल प्रोडक्शन फंक्शन, सिंपल। अब आते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पे, बहुत सिंपल, इसका बस अपोजिट कर देना हर जगह, बहुत जल्दी समझ लेते हैं इसको आप। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। अब फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर क्यों इंक्रीज किए जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड यानी लॉन्ग रन ऐसा समय है जिसमें सभी चीजें वेरी कर सकती है, यानी हम प्लांट भी नया लगा सकते हैं, हम लेबर भी बढ़ा सकते हैं, रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हैं, तो हमारी सब चीजें चेंजेबल हो जाती है, किसी कोई भी चीज फिक्स नहीं रह जाती है, तो यहाँ पे सब चीज वेरी करती है, फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सभी फैक्टर्स वेरिएबल यानी चेंजेबल है, सबको हम बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के। अब यहाँ पे जैसे के पे बार था, यहाँ बार नहीं, यानी कि के भी कॉन्स्टेंट नहीं है, वो भी वेरी कर सकता है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो गए। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, ये कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्यों है, देखो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन फिर हम दो दो ले लेते हैं, यानी टू यूनिट्स हमने किसकी ली थी, लेबर की, टू यूनिट्स कैपिटल की ले रखी थी, यही सेम प्रोडक्शन फंक्शन लिया, ठीक है। लेकिन अब जब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है किसी भी चीज का, तो हमने क्या किया, लेबर भी 10 कर लिया, 5 गुना कर लिया, 2 5 10 होता ना, और आपका कैपिटल भी 5 गुना बढ़ा लिया हमने, तो क्या हुआ, 2 1 2 2 1 2 10 1 10 10 1 10 हो गया, सिंपल। तो दोनों का प्रोपोर्शन क्या है, 1:1 1:1 सेम प्रोपोर्शन है। देखो एग्जाम्पल ना बुक के मत लिया करो, अगर हार्ड है अपने एग्जाम्पल बना लो, सिंपल। यानी कि यहां लेबर कैपिटल दोनों उसी मात्रा में बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, ये जो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए, ठीक है, और हम दोनों चीज को वेरी कर सकते हैं, तो बढ़ा सकते हैं। अब इसका क्या है, हमारा चेंजिंग स्केल आता है, चेंजिंग स्केल यानी कि आपका कैपिटल प्लांट भी, आपका जो प्लांट और मशीनरी वो चेंज हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो आपका ये इसका चेंजिंग स्केल का, यानी स्केल चेंज हो रहा है यहाँ पे, यानी कैपिटल चेंज हो रहा है। अब शुरू में क्या था, कैपिटल हमने 1 लिया, ठीक है, अब हमने अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है अपना, तो हमने कैपिटल को भी डबल कर दिया और लेबर को भी डबल कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हो रहा है, या इसका ले लो आप एग्जाम्पल 10 by 10 का, ठीक है। यहाँ पे शुरू में हमें क्या था, चलो इसको 5 कर लो, क्योंकि डबल आप डायग्राम में कंफ्यूज हो जाओगे, शुरू में क्या 5 लिया और इसका डबल कर दिया हमने 10 कर दिया, कुछ भी अटल नहीं डिजिट, लेकिन ये डबल, ये स्पेस भी इसका दुगना इसका दुगना, ठीक है। तो ये क्या है, लेबर भी बढ़ रहा है, यहाँ कैपिटल भी बढ़ रहा है, दोनों चीज वेरी कर रही है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है, लंबे समय में दोनों चीजें चेंज हो जाती है। और यहाँ पे आपका चेंज स्केल है, स्केल से याद रखना, सिर्फ प्लांट और मशीनरी का मतलब स्केल होता है, यानी साइज, स्केल यानी साइज। तो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया है, प्रोडक्शन फंक्शन बहुत इजी है, हम रोजाना जो भी चपाती बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं और हम क्या है, लेबर है वहां पे, ठीक है। अगर घर में भी अप्लाई करें तो मम्मा को कहना, मम्मी आप इस समय लेबर दे रही हो अपना, मतलब मेहनत कर रही हो आप, जो भी कर रही हो, और जो हमारा इनपुट्स है आपके रॉ मटेरियल है वो, तो मशीन क्या है, गैस है वहां पे। तो सिंपल से फंडे है इकोनॉमिक्स से, जो आप बहुत ईजी समझ सकते हो, इकोनॉमिक्स आपकी हर दिन हर लाइफ में यूज होती है, हर घंटे हर समय यूज होती रहती है, बस ये है कि आप कितना इंटरेस्ट उसमें ले पाते हैं, कितना अपनी बुद्धि लगा पाते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, सो कीप इन टच विद अस, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग अवर वीडियोस एंड हेल्प अस ग्रो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत ज्यादा इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, और हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, कांग्रेचुलेशंस टू यू पीपल एंड टू मी आल्सो, थैंक यू सो मच।